हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, कई दिन से केवीएस के एग्जाम को लेकर के अलग अलग खबर, अफवाहें और अलग अलग तरीके के विचार आ रहे हैं। बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि पेपर होगा भी या नहीं होगा, और केवीएस की तरफ से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इस पर आई नहीं है। यूट्यूब वगैरह पे जिसको जो मिलता है वही बना देता है, जिससे बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, केवीएस ने ऑलरेडी एग्जाम की डेट को अनाउंस कर दिया है। 7 फरवरी से असिस्टेंट कमिश्नर, 8 को, 9 को प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और इस तरीके से होते हुए ये एग्जाम जो हो वो मार्च तक चलेंगे। इसमें पीजीटी, टीजीटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग नॉन, सब रहेगा। अब आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या जो ये शेड्यूल है जो अभी डिसाइड हुआ है 7 फरवरी से शुरू होने वाला, क्या ये फाइनल है या पोस्टपोन हो सकता है या नहीं हो सकता है। खास करके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वाले लोग जो ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली में एग्जाम देने आते हैं, उनको ये डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि पेपर हो या ना हो, या पोस्टपोन हो जाए, एडमिट कार्ड आए नहीं है, हमें ट्रेन भी बुक करनी है और एयर टिकट भी बुक करनी है, तो क्या होगा, कहाँ रहना होगा, बहुत अरेंजमेंट करना होता है। तो इस वजह से आज इस पर देखेंगे कि क्या चांसेज हैं। एक तो शुरू करने से पहले बता दूं कि स्टडी पोर्टल एकेडमी के नाम से हमारी ऐप है, जिसके ऊपर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सभी प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। लाइव कोर्स भी है, रिकॉर्डेड भी है। लाइव अभी खत्म होने वाले हैं तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। 50% का डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है इस बार के लिए। जिनको नेक्स्ट टाइम के लिए लेना है, उनका इस बार का और नेक्स्ट टाइम का दोनों कवर हो जाएगा। वो अपना नेक्स्ट टाइम वाला जो कोर्स है उसको आप ले लीजिए। ये इस प्रकार के सारे कोर्सेज, और बहुत सारे कोर्सेज और भी हैं, ये एक मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के कोर्सेज ऐप के ऊपर बने हुए हैं। स्टडी पोर्टल ऑल ओवर इंडिया में स्टडी मटेरियल भी भेजता है कोरियर के माध्यम से। आप जिस भी देश में, जिस भी स्टेट में, जहाँ भी रहते हो, पूरे भारत के अंदर जहाँ भी आपको चाहिए वहीं पर आपको कोरियर से मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है 8447410108। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिस चीज को लेकर के लोगों को डाउट था कि पेपर पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, वो एक नोटिस था। हालांकि हम सभी ने न जाने कितने सारे मेल किए हैं, सारे टीचिंग वालों ने, जितने भी कोचिंग वाले लोग हैं, सब लोगों ने, हमने काफी सारे मेल केवीएस को किए हैं कि आप पोस्टपोन कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि एग्जाम में अभी पेपर आपके फॉर्म अभी आए थे, इतना ज्यादा टाइम मिला नहीं है, कई साल से बच्चे वेट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो कम से कम 2-3 महीने का तो मिलना चाहिए था। लेकिन वो चलो एक अलग बात है। तो ज्यादा डाउट हुआ वो इस नोटिस को लेकर के हुआ। ये एक लेटर है जो मैंने दो तरीके से लगाया हुआ है, ये लाइनें इसके नीचे थी तो ये इसे पूरा डाला है मैंने। इसमें क्या था ना, ऑल इंडिया केंद्रीय विद्यालय टीचर्स एसोसिएशन, जो ऑल ओवर इंडिया का जो केंद्रीय विद्यालय टीचर एसोसिएशन है, उसने एक लेटर लिखा था केवीएस हेड ऑफिस को। उसमें क्या था, टू द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन सईद जीत सिंह मार्ग, जो हेड ऑफिस है इनका, इसके नाम एक लेटर लिखा था। और इस मेल के थ्रू इसमें कहा गया था कि सब्जेक्ट क्या रखा था, रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन द 22 डेट ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। प्लीज जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम की जो डेट है, जो 22 डेट आपने डाली, उसको पोस्टपोन करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। क्यों कहा गया था? क्योंकि द एग्जाम फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द वेरियस पोस्टन केवीएस इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 7 फरवरी। 7 फरवरी से जो शेड्यूल किए गए हैं एग्जाम, उनको आगे करने की बात कही गई थी। लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स वर्किंग इन द केवीएस आर गोइंग टू अपियर इन दिस एग्जाम फॉर देयर करियर अचीवमेंट। क्योंकि केवीएस के अंदर बहुत सारे टीचर हैं जो जॉब कर रहे हैं और इन एग्जाम में वो अपियर भी होना चाहते हैं। क्यों, आगे रीजन क्या है? द मंथ ऑफ फरवरी इज ओवरलोडेड विद प्री बोर्ड एग्जाम। जो फरवरी का महीना है वो प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर के ओवरलोडेड है। बहुत सारा हमारे पास काम है, रिमेडियल टीचिंग, सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम भी हैं, थ्योरी एग्जाम भी हैं, एंड ऑल टीचर टीचिंग 10th to 12th क्लास आर वेरी बिजी विद द स्टूडेंट सो दैट द केवीएस कैन प्रोड्यूस एन एक्सीलेंट रिजल्ट। यानी मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि केवीएस के जो टीचर हैं वो इसलिए इतने ज्यादा व्यस्त हैं क्योंकि फरवरी के अंदर प्री बोर्ड एग्जाम भी हैं, सीबीएसई की प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम भी हैं, और 10th 12th के जो टीचर्स हैं वो इनमें बहुत ज्यादा बिजी हैं ताकि बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ सके, उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही हैं।
अब आगे इन्होंने क्या कहा है, इसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनको अपना भी एग्जाम देना है लेकिन उनकी प्रायोरिटी बच्चे हैं, तो बच्चों का रिजल्ट अच्छा आए इसलिए वो पूरा फोकस वहां कर रहे हैं, और इसी दौरान अगर उनका खुद का भी एग्जाम हुआ तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। द पीजीटी हैव ऑलरेडी बीन अपॉइंटेड एज एक्सटर्नल एग्जामिनर्स एंड ऑब्जर्वर्स बाय सीबीएसई एंड द डेट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैव ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड। यानी जो पीजीटी टीचर्स हैं उनको सीबीएसई के द्वारा ऑब्जर्वर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, डेट वगैरह सब कुछ आ चुकी है। द स्टूडेंट हैव आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। बच्चे उसके अकॉर्डिंग तैयारी भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर बिजी हैं। CBSE deadline for completing the practical examination is 15 February 2023 and it will not be possible for the teachers to reschedule the practical examination. ये भी एक reason बताया गया था। Since the exams are going to take place in the second week of February, there will be an academic loss of 2-3 days for all the students in general and 5-6 specifically for the student of the southern and northern eastern part of the country. तो इसलिए exam जो है वो second week of February में भी है, first और second में, तो इस second और third में, तो इसलिए 2-3 दिन बच्चों के खराब होंगे, और जो साउथर्न और नॉर्थर्न के बच्चे हैं उनके तो 5-6 दिन खराब हो जाएंगे। टीचर को वहां से आना भी है पेपर देने के लिए, दिल्ली वाली एग्जाम सेंटर है। तो डेट ऑफ द अपोर्शनड एग्जाम आर ए लिटिल डिस्करेजिंग फॉर द टीचर्स वर्किंग इन द केंद्रीय विद्यालय बिकॉज दे विल हैव टू सैक्रिफाइस देयर ओन ड्रीम ऑफ करियर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है उन्होंने, कहा कि जो ये शेड्यूल है एग्जाम का, ये उन टीचर्स को डिस्करेज करता है, निरुत्साहित करता है, उनको मतलब मोरल डाउन करता है उनक्यों, क्योंकि इस जॉब के साथ साथ उनके जो अपने ड्रीम है वो सैक्रिफाइस हो रही हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण लाइन इन्होंने लिखी है, एडवांस एज दे विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन देयर ओन प्रिपरेशन एडमिट प्रिपेयरिंग देयर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो अपने बच्चों की तैयारी जब करवा रहे तो अपनी तैयारी पे वो फोकस नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं उनको मिल पा रहा है। द डेट ऑफ द लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाज अनाउंस्ड ए मंथ अगो, द टीचर्स हैड सम टाइम टू प्रिपेयर। जो कहता है कि जो एलडीसी की जो डेट थी वो पहले अनाउंस कर दी गई थी बहुत टाइम, तो उसलिए उनको टाइम मिल गया था, अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ये था। अब केवीएस का क्या जवाब आया, देखिए केवीएस का जवाब आया है कि आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन संस्थागत सेम वही आप जो जहां पे जिसके नाम लेटर लिखा था उन्होंने ही जवाब दिया है। महोदय आपके कार्यालय के पत्र दिनांक जिसके द्वारा आपने आगामी भर्ती परीक्षा के समय सारणी के बारे में टिप्पणी मांगी के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को सचिव स्कूल शिक्षा साक्षरता भारत सरकार ने वर्चुअल बैठक की थी जिसमें आप सब लोग उपस्थित थे, उसके दौरान इन भर्ती परीक्षाओं को फरवरी 2023 में आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने के समय सारणी निर्धारित की गई है और ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों को भी बुक कर दिया गया है, अतः अब इस परीक्षा की समय सारणी में परिवर्तन संभव नहीं है। देखिए इन लोगों ने क्या किया ना, इन लोगों ने सबसे बड़ा रीजन अगर मानेंगे तो ये खुद भी हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि जो केवीएस के टीचर्स हैं उनको एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जो आउटसाइडर हैं वो इनको भी जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि जब 20 अक्टूबर को मीटिंग हुई तब आप लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तब भी तो आप टाइम मांग सकते थे ना, तब तो आप लोग बोलते नहीं हैं, अब आप लोगों को खुद भी समस्या आ रही है तो आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट केवीएस में नहीं है उन लोगों का क्या कसूर था, उनसे तो जवाब नहीं मांगा गया था ना, जवाब तो आप लोगों से मांगा गया था, आप लोग मीटिंग में ऑटोमेटिकली होते हो तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती थी कि थोड़ा सा टाइम ले लिया जाए इस चीज के लिए। तो ये सारी जो चीजें थी तो इसकी वजह से बताया कि अब मोटा मोटा अंदाजा ये है कि परीक्षा केंद्रों को बुक कर दिया गया था, इस परीक्षा की समय सारणी में परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक और रीजन भी दिया जा सकता है कि 20 अक्टूबर को आप लोगों ने जो मीटिंग फाइनल की थी उस समय तो एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट ही नहीं था, फॉर्म आप लोगों ने दिसंबर में भरवाए हैं, तो तब किसको ये कंफर्म था कि आप इस टाइम लेकर के इस टाइम ले लेंगे। तो ये बहुत सारा मतलब एक खिचड़ी सी हो चुकी है जहां तक हमें दिख रहा है, क्योंकि कोई उस पर ये एक प्रकार से ट्रॉफी ट्रांसफर है, वो उस पर ट्रॉफी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो उस पर ट्रॉफी ट्रांसफर कर रहे हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट इसमें है, तो मुझे भी नहीं लगता कि ये हो सकता है। अब जो डेट है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों तैयारी कीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, अच्छी मेहनत कीजिए। और अब तो 2018 के बाद 22 में आया है, इतना टाइम लग गया है, बट आगे इतना नहीं लगेगा, मुझे लग रहा है कि 1-2 साल के अंदर दोबारा ये अनाउंस निकाल देंगे, वो इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शन भी है, बहुत सारी चीजें हैं, और पीछे कोविड की वजह से ज्यादा देर हुई, वरना 1-2 साल के अंदर 2-3 साल के अंदर तो ऑटोमेटिकली निकालते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी तैयारी करते रहिए, और स्टडी पोर्टल अकेडमी
इस बार और नेक्स्ट टाइम दोनों का इकट्ठे बैच प्रोवाइड करवा रहा है। इस बार का एग्जाम भी दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम जब भी होगा, एक साल दो साल तीन साल जितने भी टाइम बाद, उस समय का भी सिलेबस में आपका ये इंक्लूड रहेगा, सारा कंटेंट उस समय भी करवाया जाएगा और वैलिडिटी वहां तक रहेगी आपकी। तो फटाफट स्टडी पोर्टल अकेडमी आपको डाउनलोड कर लीजिए और 8447410108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से एग्जाम की डेट अभी फाइनल है, बाकी जो भी आगे आता है, कुछ भी अपडेट आएगी, आप लोगों को 101% सूचित कर दिया जाएगा, इंस्टेंट उसी समय बता दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बारे में बताएंगे। एग्जाम को लेकर के जो लास्ट वीक में हम प्रिपरेशन करते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो भी आपकी जल्दी ही शुरू होने वाली है। धन्यवाद, शुभकामनाएं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और जल्दी से अच्छे से मेहनत करके एग्जाम को क्रैक कीजिए ताकि आपकी सफलता आपको मिले। धन्यवाद।